नमस्कार, जय जोहार संगवारी जी, कैसे हो आप सब? मन मैं राजन कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ मोर यूट्यूब चैनल राजन कुमार ब्लॉग में। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ बहुत अद्भुत और ऐसे अद्भुत छत्तीसगढ़ के एक अद्भुत मंदिर में आप मतलब दिखाए पर लगा था मैं यहाँ। तो संगवारी हो, ये मंदिर है बालोद जिला में, बालोद जिला के अंतर्गत आने वाला डोंडी लोहारा तहसील के पास में ही ये मंदिर है। जिला घोड़ा मंदिर या फिर मंगटू बाबा मंदिर के नाम से जाने जाते। तो अभी हमन चला था डोंडी लोहारा पहुँच वो, ये सामने में जो शहर आप दिखा थे ये हरे डोंडी लोहारा। तो डोंडी लोहारा शहर देखे के बाद में हमन आगे निकल वो, तो आप देख सका तो ये हरे शहर डोंडी लोहारा, यहाँ तहसील है, बालोद जिला के अंतर्गत आते ये है। आप देख सका तो यहाँ बड़े बड़े घर बने हैं, रोड भी बहुत अच्छा है और हमारे मौसम भी काफ़ी हद तक हमारे साथ दे थे अभी, और पानी वानी नहीं गिरा था लेकिन बदली छा है। आगे चलकर डोंडी लोहारा पहली गांव जैसे रही से आज शहर जैसे बन चुके हैं। यहाँ देखें सामने में क्या बादल है, देखो अब तब बारिश गिरने वाला है, बहुत सुहाना मौसम है। अब यही मौसम में आप मतलब दिखाई पर लेगा था घोड़ा मंदिर जिला मंगटू बाबा के ही जते, और ये गांव कमका पार में पड़ते हैं। तो ये है डोंडी लोहारा, चला था देखा था ना आगे, देखो बहुत बढ़िया शहर। मंगटू बाबा घोड़ा मंदिर की खासियत है, यहाँ आदमी मन मन्नत मांगल जाते और जिनके जिनकर मन्नत पूरा हो जाते ते मन यहाँ घोड़ा चगाते, जो कि माटी के, लोहा के, सोना चांदी पीतल जेकर भी बन जाए तेकर घोड़ा बना के यहाँ चढ़ाया जाते मन्नत पूरा हो एक बात में। वैसने मंदिर ला देखल चला था। तो हम शहर के बीचों बीच आ चुके हैं डोंडी लोहारा के, ये देखो और सामने वो बोर्ड लगे है, बोर्ड में पाटेश्वर धाम करके लिखा है, वही रास्ता में पड़ते है मंगटू बाबा घोड़ा मंदिर भी, चामड़ी पाट पाटेश्वर धाम। अब ये जगह से हम राइट मोड़ को, चामड़ी पाट पाटेश्वर धाम बोर्ड में पूरा लिखा है। हमें लग बालोद तरफ से भी आ सका था, राजनांदगांव तरफ से भी आ सका था, हमारे राजनांदगांव वाले रोड से आहन। ये देखो ये हरे डोंडी लोहारा शहर, बहुत बड़े तो नहीं है लेकिन ठीक है। अभी कर बाद में आगे तो ये हरे पाटेश्वर धाम के जो जामड़ी पाट के नाम से भी जाने जाते हैं, जामड़ी पाट पाटेश्वर धाम, ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर पड़ी है और ये तरफ से जाया जाता था मंगटू बाबा। तो पहली जाता था मंगटू बाबा और मंगटू बाबा से आए के बाद हमन जाबो पाटेश्वर धाम। ये सामने वाला गाँव है भंवरमला और एक गाँव के अंतिम में से ही हमने लेफ्ट मुड़ना है जो कि मंगटू बाबा बरजही। तो चलथन आगे अभी चौक से ही मुड़ना जी से, अब ये रास्ता सीधा हमर जही मंगटू बाबा पर। तो
जय जवाहर संगवारी, कैसे हो आप सब? मैं राजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ मोर यूट्यूब चैनल राजन कुमार ब्लॉग में। संगवारी हो आहो, मैं यहाँ बालोद जिला के डोंडी लोहरा तहसील के पास में ही एक जगह है, मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है और एला घोड़ा मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं, एला मंगतू बाबा मंदिर के नाम से भी जानते। और ये रोड जो है सीधा अंबागढ़ चौकी निकलते जो कि यहाँ से 24 किलोमीटर है। तो चलते संगवारी अंदर जाके देखता ने मंदिर ला, और यहाँ घोड़ा वगैरह भी है, सब चीज़ चढ़ाए जाते हैं यहाँ। तो यहाँ की स्टोरी कुछ ऐसे है कि जैसे यहाँ मानता वगैरह मांगे जाते मंदिर में, और जेकर भी मन्नत पूरी हो जाते तो वो मन्नत ला एक करे बार मन्नत पूरी होने के बाद में यहाँ माटी के, लोहा के, सोना चांदी जो भी चीज़ के आप घोड़ा बना सकते हो घोड़ा ला के बनवा के ला के यहाँ चढ़ाए जाते, मिट्टी वगैरह सब चीज़ के चढ़ते। तो चलो चलता ना और जाके देखता ना यहाँ के ये मंदिर ला। तो जैसे आप मन देख सकते हो ये पूरा मंदिर के चारों तरफ आपका घोड़ा ही घोड़ा दिखत हो ही। तो देखो छोटे बड़े हर साइज़ के घोड़ा यहाँ चढ़ा है, जिनका जिनका मन्नत पूरी हो जाए तेमन वैसे घोड़ा चढ़ा है। देख पूरा ऊपर तक हवे घोड़ा वगैरह, कोई छोटे बड़े अपन हैसियत अनुसार से सब जन चढ़ाते। ये देखो और एक पार बाहर में भी कुछ घोड़ा रखा है ये तरफ में, एक अलावा सामने में भी है वो देख सकते हो, और ये तरफ में भी घोड़ा है। ये देख पूरा सब जगह घोड़ा की मूर्ति है यहाँ। तो अंदर जाके देखता मंदिर ला। जय मंगतू बाबा की जय, आप सभी की मनोकामना पूरी करे। ये देखो तो ये जिसे आपन बोर्ड एक बार देखा तो ग्राम पंचायत कमकापार विकासखंड डोडी लोहरा जिला बालोद मंगतू बाबा जी के धाम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कमकापार ये जगह से 3 किलोमीटर पड़ते आगे गांव है, और ये क्षेत्र जो है वो कमकापार के अंतर्गत में ही आते, और ये रोड है सीधा मंगचुआ जो 10 किलोमीटर और अम्बागढ़ चौकी यहाँ से 24 किलोमीटर है। ये देख सकते हो ये रोड में, और एक तो मेन रोड से होके जाया जा सकता है और ये अंदर के रास्ता है। तो आगे चलता नहीं है मंदिर अंदर। मंगतू बाबा देखो पूरा मंदिर में टाइल्स वगैरह सब चीज लगे हैं। देखो ये है मंगतू बाबा अंदर में। और ये तरफ में भी आप देख सकते हो, ये देखो बाहर में भी घोड़ा वगैरह ऊपर रखा है। ये देखो यहाँ के पंडित जी है बैठे हैं, और जय मंगतू बाबा जी डोमार सिंह कोरराम। मतलब कैसे, मतलब यहाँ मन्नत पूरा होते सब घोड़ा चढ़ाते, का कारण है? सवारी के नाम से बोला जानते, जो भी अपन दुख लेकर आते यहाँ बाबा का मर्जी दिन की चल रखे नैया घर से आके मनोकामना पूरा हो जाते तो सवारी आते चढ़ाते। तो मतलब इससे सुने कि बाबा जो मंगतू बाबा है पहले गांव का रक्षा करे घोड़ा में सवार होके। हां बहिन भी जत रहे अच्छा। हां दोनों वहां पति पत्नी बहिन भैया ली था और बूढ़ी हो तो यहां देख सकते हैं घोड़ा है। ये है मंगतू बाबा। तो ऊपर में आप पीछे में देख सकते हो छोटे छोटे, ये देखो लोहा के भी ये जगह में चढ़ाए गए हैं घोड़ा वगैरह। देखो और
संगवारी हो, यहाँ एक चीज़ ये पता चली से कि लगभग 100 साल से ऊपर होगी सोई, पहले यहाँ जो बैगा बैगिन रही से मंगतू बाबा, वो कर मिसेस धर्मपत्नी है, ये मन दोनों जन यहाँ रहा है और ये पूरा क्षेत्र ला, ये गांव वगैरह ला, ये मन हाँ अपन बचा के चले पूरा गांव ला, कोई दिक्कत नहीं आन दे। लेकिन एक बार कुछ ऐसे घटना घट गए कि कोई आदमी यहाँ परेशान हो गए रही से, फंस गए रही से, तो बाबा जी हाँ अपन तरफ से और ठीक वीक करी से, वो आदमी यहाँ आके एक मंदिर वगैरह ले भी बनवाई से, तब से इनकर मन के बाबा जी के चलन थोड़ा सा ज़्यादा हो गए, माने जाने लग गए सब जन है। और घोड़ा जो है इनकर सवारी रहा है, तो कोई भी जगह आना जाना करे वो घोड़ा से ही करे, और वही घोड़ा के नाम से ही ये मंदिर भी घोड़ा वाला बाबा जी के मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। अभी पीछे जो रास्ता है तेकर उप पार में भी बहुत अकन घोड़ा मन माड़े है। तो जब भी यहाँ काकरो मन्नत पूरा होते तो लाके यहाँ घोड़ा चढ़ाते हैं। अबे बजरंगबली है, तो हम यहाँ मंगतू बाबा घूम चुके हैं, अंदर में है मंदिर, बाहर में भी लिखा है मंगतू बाबा, और चारों तरफ यहाँ घोड़ा ही घोड़ा है। काबर के मन्नत पूरा हो एक बाद में भी घोड़ा चढ़ाए जाते हैं यहाँ, तो कई जन यहाँ माटी चघाते, लोहा चघाते, छोटे बड़े हर प्रकार के चघाते, और नवरात्रि में यहाँ कलश भी रखे जाते। ये देखो तो घोड़ा हवे करा।